वेलकम एवरीवन, पोदार स्कूल रानौली के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने वैदिक मैथमेटिक्स के फोर्थ नंबर जो पॉइंट है डिवीजन डिवाइड, उसके दो सूत्र किए थे। कौन कौन से सूत्र? निखिलम, और सेकंड था सूत्र परावर्ते योजित। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे थर्ड नंबर सूत्र ध्वजंक का मेथड या सूत्र ध्वजांक। सूत्र ध्वजंका मेथड या सूत्र ध्वजांक। ठीक है, अब ध्वजंका मेथड से डिवीजन कैसे करेंगे उसको हम समझते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है 4532 डिवाइडेड बाय 112 है। 4532 डिवाइडेड बाय 112 है। कैसे सॉल्व करेंगे समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड इट इनटू थ्री पार्ट्स। सबसे पहले हम इसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिवाइड कर दिया, ओके। दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट। नाउ इन द थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में डिविडेंट का लास्ट डिजिट नोट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या नोट करेंगे? डिविडेंट का लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या दे रखा है? टू, तो यहाँ नोट कर दिया। बाकी डिजिट्स को मिड पार्ट में 4, 5, 3, ओके। नाउ जो डिवाइजर गिवन है, डिवाइजर क्या गिवन है? 112 है। 112 में 2 तो हो जाएगा फ्लैग डिजिट, 2 क्या हो जाएगा? फ्लैग डिजिट। और 11 क्या हो जाएगा? मेन डिजिट। हम यहाँ नोट करेंगे फ्लैग डिजिट एंड मेन डिजिट, फ्लैग डिजिट एंड मेन डिजिट। फ्लैग डिजिट क्या हो गया? 2, एंड मेन डिजिट क्या हो गया? 11, ओके। ठीक है, चलो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या प्रोसेस है सॉल्व करने की, ध्यान से समझना। ऑलवेज हमेशा मेन डिजिट का डिवाइड किया जाता है। हमेशा किसका डिवाइड करेंगे? मेन डिजिट का। स्टेप्स क्या रहेगी समझना ध्यान से। स्टेप्स, फर्स्ट नंबर स्टेप, ये जो कॉलम होता है वो किसका रहता है? क्वोटेंट का। और ये कॉलम किसका होता है? रिमाइंडर का, ये आपको पता ही है। चलो डिवाइड करते हैं, किसका डिवाइड करते हैं? हमेशा मेन डिजिट का। मेन डिजिट क्या है? 11। 11 का डिवाइड 4 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो क्या लेंगे हम? दोनों डिजिट्स क्या दे रखे हैं? 45। 45 में डिवाइड करेंगे किसका? 11 का। फर्स्ट स्टेप क्या हो गई? 45 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, नाउ क्वोटेंट क्या आ जाएगा एंड रिमाइंडर क्या आ जाएगा, डिवाइड करके देख लेते हैं। हमने डिवाइड किया 45 में 11 का, 45 डिवाइडेड बाय 11 कितना टाइम्स गया? 4 टाइम्स, 4, 4, रिमाइंडर क्या रह गया? 1। सो क्वोटेंट तो है 4, रिमाइंडर क्या आया है? 1। ठीक है, अब इनको कहाँ कहाँ नोट करना है ध्यान से समझना। 45 में डिवाइड किया 11 का, क्वोटेंट आया 4, रिमाइंडर आया 1। 4 को तो नोट करेंगे क्वोटेंट वाले कॉलम में, ठीक है, और रिमाइंडर 1 को नोट करेंगे। 45 लिया था तो 5 एंड 3 के मिड में यहाँ नोट करेंगे। ठीक है, नोट कर दिया। अब हमारे पास में क्या मिल गया? दिस इज 13, और ये कहलाता है न्यू डिविडेंड। क्या कहलाता है? 13 न्यू डिविडेंड। सेकंड नंबर स्टेप हो गई न्यू डिविडेंड, न्यू डिविडेंड इक्वल 13। नाउ न्यू डिविडेंड फाइंड आउट करने के बाद में हमें फाइंड आउट करना है इम्प्रूव डिविडेंड। थर्ड नंबर स्टेप हो जाएगी इम्प्रूव डिविडेंड। क्या फॉर्मूला होता है इम्प्रूव डिविडेंड का? इम्प्रूव डिविडेंड इक्वल न्यू डिविडेंड माइनस क्यूटेंट इंटू फ्लैग डिजिट। फॉर्मूला क्या होता है समझना ध्यान से। न्यू डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, इम्प्रूव डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू डिविडेंड माइनस क्यूटेंट इंटू फ्लैग डिजिट। न्यू डिविडेंड क्या दे रखा है? 13। 13 माइनस क्यूटेंट, क्यूटेंट क्या दे रखा है? 4। 4 मल्टीप्लाई फ्लैग डिजिट, फ्लैग डिजिट क्या दे रखा है? 2, मल्टीप्लाई विथ 2। सॉल्व करते हैं, 13 माइनस 8 सोल्व किया, क्या बच गया? 5। इम्प्रूव डिविडेंड क्या मिल गया आपको? 5। अब हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। थर्ड नंबर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी? फोर्थ नंबर डिवाइड,
इम्प्रूव डिविडेंड 5 आया है उसमें डिवाइड करेंगे मेन डिजिट का, मेन डिजिट क्या दे रखा है 11, तो हमें 5 में डिवाइड करना है 11 का। तो चलो देखते हैं कि डिवाइड जाता है नहीं जाता, 5 में डिवाइड करेंगे 11 का नहीं जा रहा, तो हम क्या करते हैं 0 टाइम्स लेते हैं कि 0 टाइम्स डिवाइड किया तो 11 मल्टीप्लाई विद 0 0 सबट्रैक्ट करेंगे क्या बचाएगा 5। सो 0 तो यहाँ आ गया क्योटेंट, 0 तो क्या आ गया क्योटेंट, एंड रिमाइंडर क्या आ गया 5, ठीक है। सो 0 को तो हम कहाँ नोट करेंगे क्योटेंट वाले कॉलम में, नोट कर दिया, एंड रिमाइंडर जो आया है 5 उसको कहाँ नोट करेंगे नेक्स्ट डिजिट्स के बीच में, नेक्स्ट डिजिट्स क्या दे रखे हैं 3 और 2, 3 और 2 के बीच में नोट करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ 5, 5 नोट कर दिया। अब ये क्या बन गया न्यू डिविडेंड क्या बन गया 52 का क्या फाइंड आउट करना है हमें इम्प्रूव डिविडेंड। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी न्यू डिविडेंड इक्वल 52 क्या फाइंड आउट करेंगे इसका इम्प्रूव डिविडेंड, इम्प्रूव डिविडेंड क्या होता है न्यू डिविडेंड माइनस क्यूटेंड इंटू फ्लैग डिजिट, ठीक है। चलो फाइंड आउट करते हैं न्यू डिविडेंड क्या दे रखा है 52 माइनस क्यूटेंट, क्यूटेंट क्या दे रखा है यहाँ क्यूटेंट 40 नहीं लेना है, क्या लेना है लास्ट डिजिट 0 0 मल्टीप्लाई फ्लैग डिजिट, फ्लैग डिजिट क्या दे रखा है 2। सो 52 माइनस 0 मल्टीप्लाई विद 2 0, 52 में से 0 सबट्रैक्ट किया 52। अब इम्प्रूव डिविडेंड फाइंड आउट करने के बाद में डिवाइड करते हैं तो 52 में डिवाइड करेंगे 11 का, जो क्योटेंट और रिमाइंडर आएगा उसको कहाँ नोट करेंगे कुछ डिजिट से नहीं बच रहे। सो लास्ट इम्प्रूव डिविडेंड जो आपका आया है 52 वो आपका फाइनल रिमाइंडर रह जाएगा, ठीक है। सो क्योटेंट तो क्या आया 40, रिमाइंडर क्या आया 52, फाइनल जो आंसर आया है क्योटेंट इक्वल 40 एंड रिमाइंडर इक्वल 52, ठीक है समझ गए। ध्यान से इसकी स्टेप बाय स्टेप सुनना और फिर इसको नोट करते हुए सॉल्व करना, ठीक है। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए, मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है मिटाता हूँ इसको, सेकंड नंबर और क्वेश्चन करवा देता हूँ जिससे और अच्छे से ये क्लियर हो जाए और फिर आप खुद प्रैक्टिस करना, ठीक है। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाई 42, ठीक है विभाजन का मेथड से करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिवाइड इट इनटू थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड पार्ट। नाउ इन लास्ट थर्ड पार्ट वी विल नोट लास्ट डिजिट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का लास्ट डिजिट नोट करते हैं, क्या है डिविडेंड का डिजिट 4, उसको नोट कर दिया। आफ्टर दैट जो बचे हुए डिजिट्स हैं उनको फिट कॉलम में 1, 2, 3, ओके। नाउ डिवाइजर क्या गिवन है 42 का 2 तो क्या कहलाता है फ्लैग डिजिट और ये 4 क्या कहलाएगा मेन डिजिट, ठीक है। सो हम यहाँ नोट करेंगे फ्लैग डिजिट और यहाँ नोट करेंगे मेन डिजिट, ठीक है। सो फ्लैग डिजिट है 2, मेन डिजिट है 4। नाउ डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है कैसे डिवाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ऑलवेज हमेशा किसका डिवाइड करते हैं मेन डिजिट का, मेन डिजिट क्या दे रखा है 4। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, फर्स्ट स्टेप 4 का डिवाइड करते हैं किसमें 1 में जा रहा है क्या नहीं जा रहा, तो दो डिजिट्स लेंगे, दो डिजिट्स क्या हो गए 12 है, 12 में डिवाइड करेंगे 4 का। चलो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पे क्योटेंट तो क्या आया, क्योटेंट तो आया 3, डिवाइड कर लो 3 और रिमाइंडर क्या रह गया 0, रिमाइंडर क्या रह गया 0, ठीक है। सो नोट करते हैं इनको, क्योटेंट को तो क्योटेंट वाले कॉलम में 3 और रिमाइंडर 0 को
12 लिया है, सो 2 और 3 के मिड में यहाँ 0 नोट कर दिया। अब देखते हैं ये न्यू डिविडेंड क्या बन गया, 0 3। न्यू डिविडेंड बन गया 0 3। अब इसका क्या फाइंड आउट करते हैं, इम्प्रूव डिविडेंड। क्या फाइंड आउट करते हैं, इम्प्रूव डिविडेंड। क्या फॉर्मूला इम्प्रूव डिविडेंड का, न्यू डिविडेंड माइनस क्यूटेंट इंटू फ्लैग डिजिट। न्यू डिविडेंड माइनस क्यूटेंट इंटू फ्लैग डिजिट। नाउ न्यू डिविडेंड दे रखा है 0 3, माइनस क्यूटेंट दे रखा है 3, मल्टीप्लाई फ्लैग डिजिट क्या दे रखा है 2। सो 3 माइनस 6 सॉल्व करते हैं तो क्या आ गया आंसर, माइनस 3 नेगेटिव आ गया इम्प्रूव डिविडेंड। तो क्या नेगेटिव नंबर में अब हम मेन डिजिट का डिवाइड करेंगे क्या, नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो हम क्या करते हैं, 12 में डिवाइड 4 का एक कम टाइम्स ले लेते हैं। यहाँ हमने 3 टाइम्स लिया था, अब यहाँ क्या ले लेते हैं, 2 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 8, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 4। ठीक है, तो ये स्टेप्स मिटा देते हैं वापस। आपको ये मिड वाला जो वर्क है वो किससे करना है, पेंसिल से करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, बताओ डिवाइड किया था तो क्यूटेंट क्या आया 2, तो यहाँ क्या नोट कर दिया हमने 2, एंड रिमाइंडर क्या आया 4, 4 को कहाँ नोट करेंगे, 12 लिया है तो 2 और 3 के बीच में यहाँ नोट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यू डिविडेंड क्या बन गया, 43। न्यू डिविडेंड क्या बन गया, 43। सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगी, न्यू डिविडेंड इक्वल 43। क्या फाइंड आउट करते हैं, इम्प्रूव डिविडेंड। इम्प्रूव डिविडेंड फाइंड आउट करेंगे, क्या फॉर्मूला हो जाएगा इम्प्रूव डिविडेंड का, इम्प्रूव डिविडेंड इक्वल न्यू डिविडेंड माइनस क्यूटेंट इंटू फ्लैग डिजिट। ठीक है, चलो पुट करते हैं, पुट करेंगे, न्यू डिविडेंड क्या दे रखा है, न्यू डिविडेंड दे रखा है 43 माइनस क्यूटेंट, क्यूटेंट क्या दे रखा है 2, मल्टीप्लाई फ्लैग डिजिट, फ्लैग डिजिट क्या दे रखा है 2, सो मल्टीप्लाई विथ 2, 43 माइनस बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई विथ 2 4, 43 में से 4 को सेपरेट करते हैं आ गया 39। ठीक है, अब इम्प्रूव डिविडेंड फाइंड आउट करने के बाद क्या करते हैं हम, डिवाइड। चलो डिवाइड करते हैं, नेक्स्ट स्टेप फोर्थ क्या हो जाएगी, 39 डिवाइडेड बाई, ऑलवेज हमेशा किसका डिवाइड करते हैं, मेन डिजिट का, मेन डिजिट क्या दे रखा है 4, डिवाइड करते हैं क्यूटेंट तो क्या आया और रिमाइंडर क्या आया चेक करते हैं, क्यूटेंट और एंड रिमाइंडर, चलो डिवाइड कर लो, ऐसे कितना टाइम जा रहा है 9 टाइम्स, क्या रह गया 36, सेपरेट करने पे 3, सो क्यूटेंट तो आया 9 और रिमाइंडर आया 3। ठीक है, डिवाइड करने पे अब नोट करते हैं, क्यूटेंट को तो कहाँ नोट करेंगे, क्यूटेंट वाले कॉलम में, कहाँ यहाँ पर। ठीक है, और रिमाइंडर को कहाँ नोट करते हैं 3 और 4 के बीच में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर 3। ठीक है, चलो डिवाइड किया तो ये 34 क्या बन गया हमारे पास में, न्यू डिविडेंड। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट इम्प्रूव डिविडेंड। नेक्स्ट स्टेप फिफ्थ क्या हो गई, न्यू डिविडेंड इक्वल 34, और हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, इम्प्रूव डिविडेंड। नेक्स्ट स्टेप इम्प्रूव डिविडेंड इक्वल न्यू डिविडेंड माइनस क्यूटेंट इंटू फ्लैग डिजिट। ठीक है, न्यू डिविडेंड क्या दे रखा है 34, माइनस क्यूटेंट क्या दे रखा है 29 नहीं लेना है, लास्ट डिजिट लास्ट क्या दे रखा है 9, मल्टीप्लाई फ्लैग डिजिट, फ्लैग डिजिट क्या दे रखा है 2, मल्टीप्लाई विथ 2। आगे सॉल्व करते हैं, 34 माइनस 18 सेपरेट करेंगे, सेपरेट करते हैं तो क्या बच गया 16। ठीक है, सो 16 आया इम्प्रूव डिविडेंड। फिर अब डिवाइड करते हैं मेन डिजिट का, तो क्यूटेंट और रिमाइंडर नोट करने के लिए यहाँ डिजिट ही नहीं रहे, तो आपका जो 16 है लास्ट जो इम्प्रूव डिविडेंड है वो क्या हो जाएगा फाइनल रिमाइंडर। ठीक है, सो फाइनल आंसर क्या हो गया, क्यूटेंट तो 29 और रिमाइंडर क्या 16। फाइनल जो आंसर है क्यूटेंट इक्वल
29 एंड रिमाइंडर इक्वल 16। ठीक है, समझ गए, दो क्वेश्चंस कर लिए हमने, इनको ध्यान से सुनना पहले, फिर नोट करते हुए सॉल्व करना, फिर नेक्स्ट आपको घर पे करने के लिए मैं दो क्वेश्चंस देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है, 98765 डिवाइडेड बाय 87। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दे रखा है, 210 1532 डिवाइडेड बाय 879। ठीक है, दो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, इनको सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद में इनके आंसर्स की पिक लेकर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है, मैं चेक करूँगा कौन कौन कर रहा है कौन कौन नहीं कर रहा। ठीक है, थैंक यू।